आज हम लोग लघु सिद्धांत कॉमेडी में ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग सखी शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। सबसे पहले सूत्र आता है अनंगसौ। सूत्र कहता है सख्युरंगस्यानंग आदेशो असम्बुद्धौ सौ। सख्यु अंगस्य, इसका मतलब हुआ कि यह सूत्र भी अंगाधिकार में है, अंग संज्ञा कर लेंगे। असंबुद्धि सु परे होने पर संबोधन में भी सु आता है और प्रथमा एक वचन में भी सु आता है, तो संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर सखी अंग को अनंग आदेश हो जाता है, रूप बनेगा। सखी है सु है, अब यहां पर अनंग सौ से सखी इस अंग को अनंग आदेश प्राप्त हुआ। अनंग में नकार की इत संज्ञा लोप होने से यह नित है, नित होने के कारण नीचो सूत्र से अंतिम अल को होगा, अर्थात सखी के इकार को अनंग आदेश हो जाएगा, रूप बनेगा। अब यहां पर सु में उकार की इत संज्ञा लोप कर लीजिएगा, अनंग में आकार और नकार इन दोनों की इत संज्ञा लोप हो जाती है, रूप बन जाएगा सख अंशो हुआ। इसको वर्ण संयोग कर दीजिए, सखन सौ यहां तक रूप बन गया। अब इसके बाद सूत्र आता है अलोन्त्यात पूर्व उपधा। सूत्र कहता है अंत्यादलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो। यहां सखन है, अंतिम अल है सखन का न, इससे पूर्व वर्ण है ख का अ, इसकी होगी उपधा संज्ञा। तो याद रखिएगा, उपधा संज्ञा जब भी होती है अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। इसके बाद सूत्र आया सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। अलोन्त्यात पूर्व उपधा के बाद सूत्र आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। सूत्र कहता है नाम तस्योपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। यह भी संबुद्धि भिन्न सर्वनाम परे होने पर, आपने सर्वनाम संज्ञा सु औ जस अम औट इन पांचों की सर्वनाम स्थान संज्ञा की थी, तो सु एक प्रथमा और एक संबुद्धि संबोधन में, दोनों जगह पर आना है, तो संबुद्धि भिन्न सु परे हो या सर्वनाम स्थान संज्ञा कोई भी विभक्ति प्रत्यय परे हो, तो वैसी स्थिति में नकार हो अंत में जिसके, ऐसे उपधा संज्ञक को दीर्घ हो जाता है। यहां उपधा किया था ख के अ को, उसको दीर्घ कर देगा, तो नकारांत तो उपधा वाले को दीर्घ हो जाएगा। संबुद्धि भिन्न सुपरे है, सकार है बाद में, सर्वनाम स्थान संज्ञक सकार बाद में है, तो दीर्घ हो गया, रूप बन गया। तो इस प्रकार से आप यहां पर सूत्र लिखते हुए चले जाइएगा, अंतिम में मैं फिर से लिख दूंगा। इसके बाद सूत्र आता है अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र कहता है एकाल प्रत्ययो यह सह अप्रयुक्त संज्ञा स्यात्, एक अल वाला जो प्रत्यय है उसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाए। यह एक अल है, केवल स है, इसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो गई। अप्रयुक्त संज्ञा करने का फल यह हुआ कि हलंग्याभ्यो दीर्घा सूती से प्रयुक्तम हल, इस सूत्र से अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है, सौ का लोप हो जाएगा। अब इस हलंग्याभ्यो दीर्घा सूती से प्रयुक्तम हल का अर्थ है, इसको समझिए, हलंत ण्यंत और आवंत से परे सूतीसी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और यह कहाँ कहाँ आएगा, सु में तो आएगा ही, ती तिप्तस्जी वाले में, और सी तिप्तस्जी सिप्तस्थ का सी, सुतीसी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप करेगा। तो यह स्वादी में तो करेगा ही काम, सुवंत में तो करेगा ही काम, और तिङन्त प्रक्रिया में भी यह सूत्र उपयोगी हो जाता है। इसीलिए एक अल वाले जो अप्रयुक्त संज्ञक प्रत्यय हैं सुतीसी संबंधी, उसको लोप कर देता है। सूत्र कहता है हल और दीर्घ से परे सुतीसी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो हलंत और दीर्घ में ण्यंत और आवंत शब्द आएंगे,
यहां पर हलंत है सखान का नो, उससे परे अप्रिक्त संज्ञक है, सो इसका लोप हो जाएगा, रूप बनेगा सखान। जब सखान रूप बन गया तब सूत्र आया नलोपा प्रातिपदिकांतस्य। नलोपा प्रातिपदिकांतस्य सूत्र कहता है प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम तदंतस्य नस्य लोपः स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् धातु लोप प्रत्यय प्रातिपदिकम हो ही जाएगी और सुप्तिंगंतम पदम सुवंत बाद में है, तो ऐसी स्थिति में इसकी पद संज्ञा होगी। तो प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम तदंतस्य नस्य, उसके अंत में स्थित नकार का लोप हो जाता है, तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न का लोप हो गया, रूप बन गया सखा। तो आपने देखा कि यहां पर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नलोप हो गया है और यहां पर हलंगाभ्यो दीर्घात से अपृक्त संज्ञक सकार का लोप हो गया है और यहां पर अनंग आदेश हुआ था अनंग सौ, यहां पर नकार अकार का लोप हो गया, ये सब मैं दिखाया था। तो इस प्रकार से यहां कुल तीन सूत्र, मुख्य रूप से चार सूत्र आए, एक तो अपृक्त संज्ञक सूत्र है और विधान करने में अनंग सौ, अपृक्त एकाल प्रत्यय से एकल वाले की अपृक्त संज्ञा, हलंगाभ्यो दीर्घासुति से प्रीतम हल से स का लोप और नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नो का लोप हुआ। सखा रूप सिद्धि करने में इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो प्रथमा एक वचन में सखी शब्द से सखा रूप सिद्ध हुआ, अब द्विवचन में सखायो और बहुवचन में सखायह रूप बनेगा। अब सखी शब्द से प्रथमा द्विवचन में अविभक्ति लाते हैं, रूप बनता है सखी औ। सखी औ हुआ। अब यहां सूत्र आता है सख्युर संबुद्धौ। सूत्र कहता है सख्युरंगात परम संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम मणिद्वत स्यात्, अर्थात सखी रूपी अंग से परे सर्वनाम स्थान यदि बाद में हो परंतु संबुद्धि का कोई प्रत्यय न हो, अर्थात सुप्रत्यय को छोड़ करके शेष सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय निद्वत हो जाए, णित को मान करके जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य हो जाए, अर्थात इसको णित मान लिया जाए, औणित मान लिया जाएगा, सख्युरा संबुद्ध सूत्र कहा। इसके बाद सूत्र आता है अचोणिति। अचोणिति सूत्र कहता है अजंतांगस्य वृद्धि इति णिति च परे, अजंत अंग को वृद्धि हो जाए इत और णित प्रत्यय यदि बाद में हो तो। अब आप समझ में आ रहा होगा णित प्रत्यय क्यों कर रहा था, तो यहां पर अजंत अंग है सखी, इसको वृद्धि प्राप्त हुआ, अलंत परिभाषा से अंतिम अलको हो जाएगा सखी घटक इकार को वृद्धि होगी, वृद्धि होगी इसकी ई की वृद्धि होगी, ऐ रूप बनेगा अचोणिति से वृद्धि होने पर सखय और रूप बन गया। अब यहां पर ऐ को एचो एवायावस से आय आदेश हो गया, रूप बना सखाय औ हुआ, परस्पर वर्ण संयोग कर लीजिए, रूप बन जाएगा, रूप बन जाएगा सखायो। तो आपने देखा कि सखी शब्द से अविभक्ति लाया, इसको निद्वत किया, निद्वत करने का फल यह हुआ कि अविभक्ति जब णित हो गया तो सखी घटक इकार को अचोणिति से वृद्धि कर दिया, वृद्धि होने से अयादेश हो गया, यहां परस्पर वर्ण संयोग हो गया। तो आप सख्युर संबुद्धौ और अचोणिति ये दोनों सूत्र याद रख लीजिए, सख्युर संबुद्धौ और अचोणिति, ये दो सूत्र इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद अयादेश आदि तो पहले ही पढ़े, शेष प्रक्रिया तो चलेगी ही, तो
यहां पर सखायो बना। इसी प्रकार सखी शब्द से जस विभक्ति लाते हैं, सखी जस होगा, जस में अस बचेगा, सखी अस होगा, सखी वाले इकार को ऐकार आदेश हो जाएगा, सखई अस होगा, अयादेश हो जाएगा, सखायस बन जाएगा और सकार को रुत विसर्ग कर देंगे, सखायह बन जाएगा। तो आपने सखा, सखायो, सखायह प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप को समझ लिया है। अब प्रथमा विभक्ति के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में सुविभक्ति लाते हैं संबोधन का सु और उसका रूप बनाते हैं। हे सखे, सखी शब्द है, सखी शब्द से सुविभक्ति लाया। अब आप याद कीजिए ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाएगा और गुण होने पर सखे रूप बनेगा। सु में उकार की संज्ञा लोप कर लीजिएगा, सखे स होगा और एंग ह्रस्वात् सम्बुद्धे से एंगंत से परे इस सकार का लोप हो जाएगा, हे सखे रूप बन जाएगा। इसी प्रकार प्रथमा द्विवचन और बहुवचन में जैसे सखायो और सखायह बनाए थे, वैसे ही संबोधन में हे सखे, हे सखायो, हे सखायह रूप बन जाएगा। इसके बाद कुछ और उदाहरण यहाँ लिख देते हैं। सखीन, सख्या, सख्ये। पहले की प्रक्रिया यदि आप ठीक से समझ रहे हैं तो बनाना आसान होगा। सखी शब्द है, सस विभक्ति लाएंगे, सखी सस होगा और सखी सस स्थिति में सकार की संज्ञा लोप कर दीजिए, सखी अस बनेगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देते हैं, अकार इकार के समान हो जाएगा, सखीस हो जाएगा, सखीस। अब इस सकार को तस्मात् छसोह नपुंसी से नो कर दीजिए, सखीन रूप बन जाएगा। इसी प्रकार सखी शब्द से टा टकार की संज्ञा लोप, सखी आ होगा, यण कर दीजिए, सख्या। सखी है, ने विभक्ति है, सखी ने हुआ, यण कर दीजिए, सखे। तो इतना रूप आप बना लेंगे। इसके बाद सूत्र आता है ख्यात्याग परस्य, कहता है खिति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, कृतयण आदेशाभ्याम परस्य नसी नसो रत उ, अर्थात जहां यणादेश कर दिया गया है ऐसे खीति शब्द और खीति शब्द से परे नसिंग संबंधी अकार को उकार हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। नसी या नस कोई भी विभक्ति लाते हैं, अस बचेगा। अब यहां पर सखी घटक इकार को इको यणची से यण कर देते हैं, रूप बन गया। अब यहां ख्यात्याग परस्य सूत्र आया, कहा कृति यणादेशाभ्याम, जहां यण कर दिया गया है ऐसे खी ह्रस्व खकारांत, ह्रस्व ख में ई हो, ऐसे ह्रस्व इकारांत ख शब्द से परे यदि नसिंग संबंधी अस हो तो इस अकार को उकार हो जाए। तो कृति यणादेश है ही, खी है ही, यहां ऐसे खी शब्द के परे अस को, अस के अकार को उकार हो गया, रूप बना। वर्ण संयोग कर दीजिए, इस सकार को रुत विसर्ग कर देंगे, रूप बन जाएगा। तो आपने देखा कि इस खी शब्द, इस खी शब्द का उदाहरण आपको यहां ख्यात्याग परस्य में मिल गया। इसी प्रकार से आगे और भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो नसिंग संबंधी अकार को उ कर दिया, रूप बन गया सख्यु, सख्यु, दोनों नसी और नस दोनों में रूप बनेगा। सख्य रूप बनने के बाद सूत्र आया औत, जैसा कि आपने हरों में पढ़ा है वैसे ही यहां भी है प्रक्रिया, नी को औ कर देता है। सूत्र कहता है इदुतोह परस्य नेरौत स्यात्, इत और उत से परे मतलब ह्रस्व इकार उकार से परे नीस को औ आदेश हो जाए। औत यह अनेकादेश है इसीलिए संपूर्ण नी के स्थान में होगा। रूप देखते हैं कैसा बनता है। सखी शब्द है, नी विभक्ति लाते हैं, सखी नी हुआ। अब आया औत, कहता है ह्रस्व इकार और उकार के बाद नी को औ हो जाता है, यहां ह्रस्व इकार है, इस इकार के बाद नी को औ हो गया, रूप बना सखी औ।
अनेकालत्व सर्वादेश, अनेकाल से सर्वस्य सूत्र याद रखिएगा। सखी औ हो गया। अब यहां पर इको यणचि से यण कर देते हैं, इकार को यण हो जाएगा य। परस्पर वर्ण संयोग कर दीजिए, रूप बन जाएगा सख्यो। तो इस रूप से आपने देखा नी विभक्ति में सप्तमी एक वचन में सख्यो रूप बना। तो आपने पूरे सखी शब्द को देख लिया, सखा सखायो सखाय से लेकर के सख्यो सख्यो सखीसु, यहां तक रूप बन जाएगा। सखी शब्द से सुख लाइएगा, वहां पर आदेश प्रत्यय से सखीसु घटक सकार को शत कर लीजिएगा, सखीसु बन जाएगा। यदि आपने पहले की प्रक्रिया ठीक से पढ़ रखी है तो जो नए नए सूत्र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर औत सूत्र एक नया सूत्र आ गया, तो इस सूत्र को केवल जान लीजिए। पीछे दो सूत्र आपने देख लिए थे, शेष सारी प्रक्रिया पहले के सूत्र ही यहाँ पर आकर के लगते हैं, नए कुछ नहीं लगना है। शेषम हरिवत, शेष शब्द सखी शब्द में जो भी रूप प्रक्रियाएं चलती वो हरि शब्द के ही समान चलेगा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे ह्रस्व इकारांत पति शब्द को।